दोस्तों आप जो हमारे स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, इस तरह का फोटो एडिट करना बहुत ही आसान है। आप खुद की मोबाइल फोन से कुछ सेकंडों में कर सकते हैं। जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। आपको इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले चले जाना मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पी सेट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है गाइज। अगर आपके पास पी सेट एप्लीकेशन नहीं है, पी सेट एप्लीकेशन का वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, या आपको प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। पी सेट एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको यहाँ जो मिल जाएगा प्लस आइकन, वो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ मिल जाएगा जो एडिट है फोटो, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक बैकग्राउंड ऐड करना है, जो बैकग्राउंड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद दोस्तों आपको नीचे बहुत सारा टूल दिख रहा है, इस टूल को आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको जो यहाँ मिल जाएगा ऐड फोटो का ऑप्शन, ऐड फोटो पे क्लिक करना है। और ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद खुद की फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना है। दोस्तों मैंने खुद की फोटो को यहाँ पे ऐड कर ली। इस फोटो को जूम आउट करूँगा और यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। अगर आप सबों को बैकग्राउंड यूज करना नहीं आता है, मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी अपने चैनल पे, और जाकर देख सकते हैं। ऐसे मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जिसकी मदद से आप एक क्लिक में एडिट कर सकते हैं। उसके बाद इसको आपको अच्छी तरह से एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आपको जो यहाँ मिल जाएगा साइन की मार्क, आपको इस पर क्लिक कर डन कर लेना है। दोस्तों डन करने के बाद आपको नीचे बहुत सारा टूल दिख रहा है, इसी टूल के अंदर आपको जो यहाँ मिल जाएगा टूल्स का ऑप्शन, ठीक है। आपको टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा एडजस्ट, ठीक है। एडजस्ट पे क्लिक करना है, और एडजस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, और आपको जो मिल जाएगा फोर्थ नंबर में सेचुरेशन का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने का इसके अमाउंट को थोड़ा कम कर लेना है, ठीक है। कम करने के बाद गाइज आपको जो है मिल जाएगा इरेजर का ऑप्शन, ठीक है। आपको इरेजर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है मिल जाएगा इन्वर्ट, इन्वर्ट पे क्लिक करना है, और रीस्टोर पे क्लिक करना है, ठीक है। और साइज को एडजस्टमेंट कर लेना है, कुछ इस टाइप से हार्डनेस को 90 के आसपास रखना है, ठीक है। मैंने 93 रख लिया है। फोटो को जूमआउट करना है, और जहाँ जहाँ रेडनेस का इफेक्ट आ रहा है इसमें कुछ तरह सेलेक्ट करना, ताकि मेरा जो फेस है वो वाइट हो सके, ठीक है गाइज। उसके बाद आपको यहाँ मिल जाएगा साइन की मार्क, आपको साइन वाले मार्क पे क्लिक कर डन कर लेना है। फिर से आपको टूल सिलेक्शन पे क्लिक करना है, एडजस्ट में आना है, और एडजस्ट में आने के बाद आपको सेचुरेशन को फिर से बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद थोड़ा क्लियरिटी को भी बढ़ा लेना है, थोड़ा कंट्रेस्ट को भी बढ़ा देना है, ठीक है। बढ़ाने के बाद आपको साइन वाले मार्क पे क्लिक कर डन कर लेना है। यहाँ पर जैसे जैसे मेरा फोटो यहाँ पे एडिट हो चुका है, इस फोटो को सेव करने के लिए गाइज आपको जो है मिल जाएगा एरो का आइकन, अप एरो, आपको इस पर क्लिक कर फोटो को लेना सेव। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लव यू, टेक केयर, ओके, बाय बाय।